नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है और ये बैठक न्यूयॉर्क स्थित लुटेट न्यूयॉर्क पैलेस होटल में हुई है, जहां दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है और इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में भारत की स्थिति को स्पष्ट करना, क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उपाय पर विचार करना था कि किस तरह से शांति बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान गाजा में चल रहे संघर्ष और वहां पर मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से दूर राज्य समाधान का समर्थन करता आया, जिससे इसराइल और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का अस्तित्व शामिल। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर भी दिया है कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से स्थानीय शांति बिल्कुल संभव है और महमूद अब्बास ने भारत की इस समर्थन की सराहना की है और कहा कि फिलिस्तीन को भारत जैसे मित्र देशों की आवश्यकता है जो उनके अधिकारों के लिए खड़े हुए। उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष करने का हक है और वो इसमें शामिल भी हैं। भारत ने हमेशा से इसराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर संतुलित रुख हमेशा अपनाया है और मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर शांति स्थापित करने के प्रयास किए। भारत संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील की है कि वो इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय संकट को गंभीरता से लिया और ये कहा है कि इससे तत्काल हर निकलना चाहिए और मोदी ने दूर राज्य समाधान का समर्थन किया है जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार। ये मुलाकात भारत और फिलिस्तीन के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है और जो ऐतिहासिक रूप से मित्रता के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आधारित है। इस बैठक के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत आगे भी मध्य पूर्व के अंदर शांति स्थापित के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाएगा और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि वो इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आवाज़ उठाते रहेंगे। महमूद अब्बास ने भी भरोसा जताया है कि भारत का समर्थन फिलिस्तीनी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और इससे उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति महमूद अब्बास की ये मुलाकात न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक प्रयास है बल्कि एक क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम। दोनों नेताओं ने मिलकर ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि फिलिस्तीनी मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा नज़रअंदाज न किया जाए और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाए। इस प्रकार ये मुलाकात न केवल वर्तमान परिस्थितियों को समझने का एक अवसर था बल्कि भविष्य में शांति स्थापना के लिए संभावनाओं को भी खोलती हुई नजर आएगी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पीएम मोदी की मुलाकात और इसके बाद इसराइल और फिलिस्तीन के जो संबंध हैं वो किस तरह से ठीक होते हुए नजर आते हैं और भारत इसमें क्या कुछ योगदान कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के।